चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ वैकेंसीज डिक्लेयर की हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कुछ तो है। फॉरेस्टर की 6 वैकेंसीज हैं और फॉरेस्ट गार्ड की 14 वैकेंसीज हैं, तो टोटल 20 वैकेंसीज हैं जहाँ पे आज आप अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे जल्दी से आपको अप्लाई करना चाहिए। उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्या क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का, क्या आपको करना चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमने पहले आपके साथ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे शेयर की थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि फॉरेस्टर की 6 वैकेंसीज हैं यहाँ पे, और पे ग्रेड क्या है, 10,300 से 34,800 का जो है पे स्केल है, और ग्रेड पे इज 4400 का ग्रेड पे है। और एज की रिक्वायरमेंट वो नॉर्मल है, जैसे कि सब गवर्नमेंट जॉब में है, 18 से 37 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी एज ऑन 1st of September 2020। तो 1 सितंबर 2020 को आपके 37 साल मैक्सिमम और 18 साल कम से कम होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, आपने +2 पास किया होना चाहिए, और उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, दैट मीन्स ये 5 में से आपके 2 सब्जेक्ट्स आपके पढ़े होने ज़रूर चाहिए इन +2 लेवल। या अगर आपने मैट्रिकुलेशन किया है तो आपके पास ITI से डिप्लोमा होना चाहिए, सर्वेइंग का, ड्राफ्ट्समैन का, डिप्लोमा नहीं सॉरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है फ्रॉम ITI, सर्वेइंग, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग का, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो टेस्ट होगा आपका, दिस इज ओपन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, तो उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जॉब्स के लिए आप अप्लाई, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और पीरियड ऑफ प्रोबेशन कितना है, वो 3 साल का है। नाउ सिमिलरली फॉरेस्ट गार्ड के लिए वहाँ पे 14 वैकेंसीज हैं, 14 वैकेंसीज हैं, पे स्केल वही 10,334,800 का है, और ग्रेड पे क्या है, 3200 है, वहाँ पे 4400 था और यहाँ पे 3200 है। बट कीप ऑन अप्लाइंग, डू नॉट थिंक, क्योंकि आप दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की वही कंडीशंस हैं, 18 से 37 के बीच में, एंड एज ऑन 1st of September 2020। और रिलैक्सेशंस के लिए वही कंडीशन, दैट इज कि जो गवर्नमेंट की कंडीशंस होती हैं, 5 साल की रिलैक्सेशन फॉर SC/ST एंड फॉर दोज ऑन द गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए रिलैक्सेशन है। देन फॉर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिलैक्सेशन होता है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल, आई थिंक एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस ऑल्सो। मैं आपके साथ वो PDF शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे ये सारी कंडीशंस जो है मेंशन है, और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो मेंशन हियर, दैट यू शुड बी, योर क्वालिफिकेशन शुड बी 10+2 और मैट्रिकुलेशन विद डिप्लोमा इन सर्वेइंग। फॉरेस्ट गार्ड में यहाँ पे आपको डिप्लोमा इन सर्वेइंग या ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। इन केस ऑफ फॉरेस्टर वहाँ पे विद मैट्रिकुलेशन आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए था, बट इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पे आपको डिप्लोमा चाहिए। अगर आपने +2 कर रखा है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जैसे कोई 2 सब्जेक्ट हैं तो आप फॉरेस्टर के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपने सिंपल +2 भी किया है तो आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी एलिजिबल हैं, वहाँ पे कोई और कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ITI वाली कंडीशंस आर ओनली फॉर दोज जिन्होंने सिर्फ मैट्रिकुलेशन किया है, बट आज की डेट में मोस्टली कैंडिडेट्स +2 हैं, दैट मीन्स आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फॉरेस्टर का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, टोटल 80 क्वेश्चन, नाउ चाहे वो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम हो चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का है, तो यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं, और टाइम बहुत खूब दिया है, 2 घंटे का टाइम है, आराम से पेपर कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ पे
आपके 10 क्वेश्चन जो है फॉरेस्ट में इंग्लिश के आएंगे, ग्रामर के 25 क्वेश्चन जो है आपके ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर के आएंगे, मैथ्स में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आएंगे। और यही चीज़ आप फॉरेस्ट गार्ड में देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं और यहाँ पे आपके पास 15 क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने करंट अफेयर जनरल साइंस में, और मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन हैं वहाँ पे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं और मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन हैं, तो टोटल 80 क्वेश्चन हैं और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। आपको वो दूसरी स्लाइड भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का पैटर्न दिया है, इट इज़ इट हेयर के इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज के और अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं और बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, मेंटल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन हैं, बाकी वही टोटल 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 2 आवर्स एंड नो नेगेटिव मार्किंग। सो दिस इज द बेसिक पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन जो कि आपको पता होना चाहिए। केस ऑफ फॉरेस्टर वहाँ पे ये लिखा है कि जो ज्योग्राफी है और जो जनरल साइंस है दैट विल बी अप टू प्लस 2 लेवल, दैट कैन बी अप टू द प्लस 2 लेवल तक की हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ी तैयारी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी इन केस ऑफ फॉरेस्ट गार्ड जीएस का कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, ये टेस्ट चंडीगढ़ में ही होगा और कहीं नहीं होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। एप्लीकेशन फी फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी 300 रुपया है और बाकी एससी एंड एसटी और वुमेन के लिए 200 रुपया है। नाउ एक चीज़ और है, जो रिजर्वेशन है वो एज पर नॉर्म्स है, वो जितनी भी बनेगी काट फाट के उतनी वैकेंसी इसमें बन जाएंगी। किसी भी किस फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड स्टेट वे, गवर्नमेंट सर्वेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर ऑलरेडी आप कहीं पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना पड़ेगा और TA DA नहीं मिलेगा, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो नोटिफिकेशन जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पे भी जस्ट हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो। कि फॉरेस्टर के लिए जैसे पहले बताया आपको 18 से 37 साल की उम्र है, दैट इज़ रिक्वायर्ड, और मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या हो जाएगा, 80 मार्क्स का पेपर है वो मैंने बता दिया, प्रोबेशन है 3 साल का है, दैट इज़ फॉर ऑल बेसिकली, पंजाब में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, एवरीबडी इज़ डूइंग इट। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% हैं, वो सबने ले, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, वो भी एक आहू आप सबका किया जाएगा। सो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए आपको। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, सिलेबस इज़ ऑलरेडी मैंशनड हेयर। नॉर्मली आपने तैयारी करनी है, कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट यू हैव टू वॉक वॉक वॉक, क्योंकि फॉर बॉयज़ दे विल हैव टू वॉक 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स एंड द गर्ल्स विल हैव टू वॉक 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। और फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो वो वंस अगेन इस प्रोसीजर में हम क्या देखते हैं कि फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगा बाद में, और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन जीके एंड अवेयरनेस से होंगे, वहाँ पे फॉरेस्ट में 25 थे, यहाँ पे मैथ्स में सिंपल अरिथमेटिक और अलजेब्रा आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी सिलेबस कॉमन है। तो यहाँ पे इन्होंने जीके और अवेयरनेस का सिलेबस नहीं दिया है जैसा कि इन्होंने ऊपर दे रखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नाउ, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और कहाँ पे जाना है आपको, यू आर सपोज टू गो ऑन chandigarhforest.gov.in, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और जितना भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपनी भरनी है। यू हैव टू ब्रिंग योर एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपकी chandigarhforest.gov.in के ऊपर आएगा, और वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके एग्जामिनेशन हॉल में साथ लेके जाना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपको साथ लेके जाना है,
एंड दिस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन मिड दिसंबर. दैट मीन्स आपके पास बहुत क्लियर कट, यू हैव 2.5 मंथ्स विद यू, आपके पास 2.5 महीने हैं, और दैट मीन्स आपके पास अराउंड 75 डेज जिसमें आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई पेपर का पैटर्न मुश्किल नहीं है, थोड़ी बहुत तैयारी आपने कर रखी होगी, तो उस तैयारी के बेसिस के ऊपर बहुत अच्छे से रिवीजन करके आप तैयारी कर सकते हैं. सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं, फिर आप यू कैन अप्लाई फॉर बोथ द जॉब्स, आप दोनों जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका एक होगा. ऑल दीज एंड एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म भरने लगे हैं तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट तैयार रहने चाहिए. आपके डॉक्यूमेंट तैयार रहने चाहिए, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ वो भी आपके पास तैयार होनी चाहिए, वहाँ पे फॉर्म भरते वक्त मुश्किल ना हो जाए. तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर. बाकी कुछ चीज़ें और हैं जो इसका ख्याल रखना है आपको ना. पहले ये देख लेते हैं कि एग्ज़ाम के थोड़े दिन के अंदर ही जो आंसर की है दैट विल बी अपडेटेड, तो वो जो है वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी ताकि आप चेक कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन वहाँ पे ठीक हैं. और जो रिजल्ट है दैट विल बी कैटेगरी वाइज 15 दिन के अंदर अंदर वो भी वहाँ पे लगा दिया जाएगा. कंडीशंस विच कैन मेक यू रेंडर इनएलिजिबल, फीस पूरी नहीं भरी है, आपने गलत बैंक में फीस भर दी है, आपने इनकम्प्लीट और रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी है, या आप पहले कहीं से डीबार हो चुके हैं, तो इन ऑल दीज केसेस आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एंड यू योर रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड. तो ये ख्याल रखिएगा कि सारी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं, ओनली देन यू शुड फुलफिल द फॉर्म ऑल्सो. और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले 3 साल फिक्स्ड मंथली एवोल्यूमेंट्स मिलेंगे. सो दीज आर द कंडीशंस. सो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा तो नहीं पर कुछ मौका तो आया है हाथ में, और उसके साथ आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं. सो जस्ट वर्क हार्ड. ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, ये मुश्किल समय है. इस मुश्किल समय में कौन मुश्किलों से आगे निकल जाता है, इस मैदान में कौन आगे निकल जाता है, वही सिकंदर कहलाएगा. सो दैट इज़ व्हाट यू शुड ऑल्सो डू, कि अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें एंड वर्क. अब बस एक पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम देके आएं और सोचें कि इसमें इस जॉब पे नाम लिखा है और मेरा ही नाम लिखा है.